क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, हाउ वाज योर डे? अच्छा था। पर तुम इतनी डिप्रेस क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? हाँ बस ठीक ही हूँ मैं। क्या हुआ मेरे बेबी को? जब मैंने फोन किया था तुम्हें तब तो इतना प्यार नहीं आ रहा था। अरे मैं थोड़ा बिजी था, मुझे लगा मैं ऑफिस में सारा काम निपटा के फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ तो वापस जाओ और कल का काम भी निपटा लो। अरे जब तुमने फोन किया था तो काफी खुश साउंड कर रही थी, अभी क्या हुआ ऑल ऑफ अ सडन? कैसे बताऊं तुम्हें, कुछ नहीं हुआ है मुझे, आई एम फाइन, जस्ट लीव मी अलोन। फाइन, कॉल मी व्हेन यू आर फीलिंग बेटर। हाँ, छोड़ के चले जाओ मुझे, मैं जीऊँ या मरूँ इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आते हो, चार सवाल पूछते हो, हाउ आर यू बेबी, सब ठीक तो है, हो गई ड्यूटी? देखो डिसाइड कर लो तुम्हें चाहिए क्या, मैं रहूं या जाऊं, आई एम ओके विद एनीथिंग। जाओ जाओ, तुम मुझ पर कोई एहसान मत करो, तुम ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास जाओ और एंजॉय करो, वैसे भी तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए, राइट? सो जस्ट गो गो। ये लड़कियों के मूड स्विंग्स ना एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब डर लगने वाला है और कब मजा आने वाला है, कभी आप उनके नजरों में स्वीटेस्ट इंसान होंगे और कभी कितने इनसेंसिटिव और सेल्फिश हो तुम। गॉड, आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड यू, जस्ट डोंट टच मी, लिसन, आई एम नॉट इन अ बैड मूड। गॉड, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी, तो तुम्हें ब्रेकअप करना, यही मतलब था ना तुम्हारा? आई लव स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। I hate strawberry ice cream, yeah. I want to break up with you right now. Please leave me alone, yeah. Axe cold. Mood swings के वक्त अगर आपकी girlfriend आपसे कुछ कहे तो उसका जवाब होना चाहिए Yes baby, I understand. या No baby, I understand. कुछ भी हो, ये याद जरूर रखिएगा Your answer should be I understand. हम इस restaurant क्यों आए हैं? तुम्हीं ने तो बोला था तुम्हें Chinese खाना है। हाँ, लेकिन इस restaurant में नहीं खाना। तो चलो कहीं और चलते हैं। क्या बट आई एम लाइक सो हंग्री, खा लेते हैं। अभी दो सेकंड पहले मैंने तुमसे क्या बोला कि मुझे ये रेस्टोरेंट पसंद नहीं है, यार कौन से लैंग्वेज में मैं तुमसे बात करूं? बेबी, आई अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? देखो ऐसे चिल्लाओ मत, लोग देख रहे हैं। तो फोड़ दो उनकी आंखें, मुझसे ज्यादा तुम्हें उनकी फिक्र है। Time for another axe call. अगर I understand जैसा tried and tested formula भी fail हो जाए, इसका मतलब एक और सिर्फ एक है कि आपकी girlfriend का mood swing उस state तक पहुंच गया जहां पर आपके पास सिर्फ एक ही option है। ये हाथ देखा है ना? इसको दूसरे हाथ से जोड़िए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि किसी की मौत हो जाने से पहले ये बुरा वक्त जो है गुजर जाए। लगता है ऊपर वाले ने सुन ली। It's time for an axe call. The difference between a terrorist and a woman on her mood swing days is that you can negotiate with a terrorist. It's time now for axe dictionary. Mood swings, a period of 1 week where a woman will turn you into a prisoner and won't let you run, won't let you live, eat, drink, breathe or sleep. Mood swings तो हर लड़की को होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां इसका फायदा उठा के लड़कों की बैंड बजा देती हैं। मैं तो कहता हूं कि इन अत्याचारों से बचने के लिए इन वीडियोस को शेयर कीजिए, also comment with your stories and if we like them, we'll feature them on our upcoming episodes of Axe Chickipedia. Have you played the Axe Chickipedia game yet? If not, then dial toll-free number 022-419-22421. रोमित शर्मा ने हमें बताया कि कैसे उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें अपने अनप्रेडिक्टेबल मूड स्विंग से परेशान किया, विच वी एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस एपिसोड ऑफ मूड स्विंग्स। थैंक्स रोमित, वी होप आपको ये एपिसोड पसंद आया। एंड इफ यू लाइक द एपिसोड, मेक श्योर यू क्लिक लाइक और यहां क्लिक कीजिए टू वॉच मोर एपिसोड्स ऑफ चिकीपीडिया एंड द सीरीज एक्स चिकीपीडिया। या राइट, एक्स चिकीपीडिया। ओए तेरी पैंट कहां है?